और अब आइए बात करते हैं साइबर ठगी के नए तरीके की, ड्रग्स इन कुरियर। जी हाँ, पार्सल या फिर कुरियर में ड्रग्स होने के नाम पर गिरोह ठगी को अंजाम देने में किस तरह से जुटा हुआ है, इसको लेकर भारत सरकार ने आम लोगों को आगाह किया है। परिमल कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। ठगी का नया तरीका, एक कॉल से खौफ और झटके भर में लाखों की चपत। फरीदाबाद के सुदीप और शालिनी मंगला की बेटी भी इसी ठगी का शिकार हो गई। साइबर ठग ने कॉल करके डराया कि कुरियर में गलत कागजात हैं, फिर क्या समझौते के नाम पर 2.5 लाख की रकम चली गई। मेरी बेटी के पास फोन आया कि हम लखनऊ थाने से बोल रहे हैं, एक कुरियर आपके नाम से कंबोडिया जा रहा है, जिसके अंदर है ना बहुत सारे पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड हैं जो इलीगल हैं, और कुछ उसके साथ कुछ बैक स्टोरी भी सुनाई कि कोई SGFC का बंदा है जिसको हमने पकड़ लिया है, दिस एंड दैट, उसने आपका नाम लिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आप इलीगली भेजते हो, उन्होंने आपका नाम लिया है कि है ना आपने उनको भेजा है, और आपका आधार कार्ड है ना इस कुरियर के साथ लिंक है, और दिस एंड दैट। आपको कल है ना लखनऊ थाने आ जाइए और अपने है ना पक्ष रखिए। साइबर ठगी के इस नए मॉडल में ठगी का पैटर्न कमोबेश एक जैसा होता है। अनजाने नंबर से कॉल करके कहा जाता है कि आपके नाम से बुक पार्सल में ड्रग्स है, कस्टम विभाग ने इसे कब्जे में लिया है। पार्सल में कई पासपोर्ट, कपड़ों के साथ ही ड्रग्स की बात बताई जाती है। पीड़ित कुछ सोच पाए इससे पहले ही क्राइम ब्रांच, ED, CBI, NCB जैसी संस्थाओं का जिक्र करके और किसी शख्स को अफसर बताकर उससे बात करवाई जाती है। मानसिक दबाव बनाने का यह सिलसिला यही नहीं थमता। पीड़ित के आधार कार्ड का जिक्र करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग तक में शामिल होने की बात भी कही जा सकती है। साथ ही कई पासपोर्ट का डर दिखाकर गलत तरीके से लोगों को विदेश भेजने की बात कही जाती है, और फिर मामले को रफा दफा करने के नाम पर पैसा ऐंठने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस तरह के कई कंप्लेंट्स आए हैं जिसमें किसी को एक नंबर से फोन आता है, और जनरली वो IVRS टाइप का कॉल होता है जिसमें कि कुछ ऑटोमेशन भी होता है कि आप ऐसे लगे कि ऑफिशियली कोई कंपनी से आया हो, और फिर कहते हैं कि आपने कोई कुरियर भेजा था उसमें या कोई पार्सल आपके नाम आ रहा था और उसमें ड्रग्स मिले हैं, और फिर कोई आदमी बात करके जो है अपने आप को या तो लॉ एनफोर्समेंट से बता के या कोई स्पेशलाइज एजेंसी NCB वगैरह का नाम लेके फिर कहते हैं कि आप पैसे दो तो सेटल करेंगे, अदरवाइज फिर आपको इसमें लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की कंप्लेंट्स हम मोस्टली हमारे पास नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है उसके थ्रू रिपोर्ट होती है। लोग इस तरह की नई ठगी के तरीके से सावधान रहे, इसको लेकर भारत सरकार ने लोगों को आगाह भी किया है। कुरियर में ड्रग्स जैसे कॉल से सावधान रहें। ठग पुलिस ऑफिसर बनकर धमकाकर वसूली कर सकते हैं और अकाउंट की जानकारी भी ले सकते हैं। ऐसा कोई कॉल आए तो तुरंत इसकी रिपोर्ट sanchar.gov.in पर जाकर चक्षु फैसिलिटी पर करें। ठगी के शिकार पीड़ित व्यक्ति 1930 पर कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। कोई भी जानकारी आपको आपके सामने आए, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, आप उस पर तब तक विश्वास ना करें जब तक कि आप इंडिपेंडेंट तौर पर उसकी पुष्टि ना कर पाए। अपने जीवन, रोजमर्रा के जीवन में आप साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। कोशिश करें कि आप अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं केवल नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करें। सारे लोगों के साथ अपने व्यक्तिगत डेटा को साझा करना अच्छा नहीं है। जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। डर, घबराहट, हड़बड़ाहट से आपको मोटी रकम की चपत लग सकती है। कॉल आए और बताए कि आपके पार्सल में ड्रग्स है तो रुकिए, सोचिए कि क्या आपने कोई पार्सल भेजा था, या फिर कोई पार्सल आपके पास आने वाला है तो तुरंत रफा दफा करने की जगह अगर पार्सल आने वाला है तो वहां कॉल घुमाइए। मुमकिन है कि आप पीड़ित बनने से बच जाएंगे। फरीदाबाद से अपने सहयोगी विनीश उपाध्याय और नई दिल्ली से हरिकिशन शर्मा के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया।